हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज जोशी आप सभी का उत्कृष्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी लोगों ने कल भी आप जुड़े थे मुझसे, मैं कल रात को भी 8 बजे लाइव आया था। और आप सभी को पता है, मैंने जो लोग नए आज जुड़े हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इस समय हम लोगों ने जो है उत्कृष्ट एकेडमी की जो है यूट्यूब चैनल पर जो भूगोल का विषय है और भूगोल विषय में जो महाद्वीप है ये टॉपिक को हमने शुरू किया है। और कल हम लोगों ने चर्चा की थी यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर या फिर ओशिनिया महाद्वीप पर। उसमें जो पहला पार्ट था, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो पहले पार्ट को जाकर आप अवश्य देखिएगा, उसके बाद ही आपको आगे आनंद आने वाला है। क्योंकि जो ये हिस्सा है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का पार्ट सेकेंड है, यानी कि दूसरे पार्ट के रूप में ये बचा हुआ है। तो आज हम लोग इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए चलिए शुरुआत कर देते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। कल तक अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने इसका जो भौगोलिक विवरण था कल तक हम लोगों ने उस पर चर्चा की थी, यानी हमने देखा था कि आखिर में जो ऑस्ट्रेलिया है कौन कौन सी जो है खाड़ियों से घिरा हुआ है, इसके अलावा कौन कौन से जल संधि से अलग है, कौन कौन से सागर ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर है। और इसके साथ साथ फिर हमने इसका जो राजनीतिक मैप था कि कितने प्रांतों में है, कौन सी राजधानी है, उस पर चर्चा की थी। जैसे उदाहरण के लिए थोड़ा सा अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो हम लोगों ने कल यहाँ पर चर्चा की थी, जैसे अगर मैं जल संधि की बात करूँ तो आप लोगों को याद होगा ऑस्ट्रेलिया में 2 जल संधि थी, एक तो उत्तर में ये वाली थी जिसे हम लोगों ने टॉरस जल संधि के नाम से जाना, टॉरस जल संधि। ये मैं थोड़ा सा रिवीजन के लिए आज आपको कर रहा हूँ। और मैंने आपको कल बताया था कि जो टॉरस जल संधि है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो ये केप यॉर्क है, ये वाला केप यॉर्क प्रायद्वीप, इसको अलग करता है, इसके ठीक उत्तर में है पापुआ न्यू गिनी को। जबकि जोड़ता किसे है तो ठीक यहाँ पर एक सागर है, कोरल सागर, कोरल सागर। तो कोरल सागर को किससे जोड़ता है, यानी कि इसके इधर वाला जो हिस्सा है ये वाला, ये यहाँ पर अराफुरा सागर है, अराफुरा सागर। तो इस तरह से एक जल संधि थी टॉरस जल संधि और दूसरी जल संधि थी इसके दक्षिण में यहाँ पर, यानी कि बॉस जल संधि। तो 2 जल संधियों पर कल हम लोगों ने चर्चा की थी। और बॉस जल संधि जो है ऑस्ट्रेलिया को जो है अलग करती है, ये नीचे वाला है, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है तस्मान से इस तरह से। तो कल हम लोगों ने यहाँ पर खाड़ियों पर भी चर्चा की थी। खाड़ियों में मैंने आपको बताया था जो ये वाली खाड़ी आपको दिख रही है ये कारपेंटर की खाड़ी है, दूसरा यहाँ पर जो आपको दिख रही है ये जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी है, तीसरा हम लोगों ने यहाँ पर एक खाड़ी पर चर्चा की थी ये शार की खाड़ी है, और चौथा ये वाली खाड़ी पर चर्चा की थी ये सस्पेंशन की खाड़ी थी। और साथ ही साथ इन चीज़ों पर हमारी चर्चा हुई और फिर हम लोगों ने कल इसी पर चर्चा की थी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का जो राजनीतिक मैप था ये वाला, इस पर भी हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं। आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बताया था कि आज वास्तव में जहां से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से क्वेश्चन बनते हैं उस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक के। तो आज सबसे पहले तो हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पर्वतों पर। ध्यान से देखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पर्वत, अगर पर्वतों की बात करें इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, तो जो आपको ये पीछे बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं यही पर्वत है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के। बाकी इनके नामों को जानेंगे और क्या क्या इनकी खूबियां हैं, क्या खासियत है, एग्जाम की दृष्टि से क्यों इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा उस पर चर्चा होगी। सबसे पहले दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में इस जो ये आपको श्रृंखला दिखाई दे रही है, इस श्रृंखला के बारे में आपको इसका नाम और इसकी जो खासियत है वो पता होनी चाहिए। क्वेश्चन बनता है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यानी कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर है, तो इसी श्रृंखला को, ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी भाग है दोस्तों पूरी की पूरी ये ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है, इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग श्रृंखला। ये है ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया की। और इसकी अगर हम खासियत जाने इस ग्रेट डिवाइडिंग की जो एग्जाम के दृष्टिकोण से, देखो पहली चीज तो ये बनता है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यानी कि किस महाद्वीप में है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, ऑस्ट्रेलिया देश में है। दूसरी बात आती है कि ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो ये वाली है। तो पहली चीज यानी कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ओशिनिया या फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, एक चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज आती है कि विश्व में, भाई आप लोग देखते हैं कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आती है कि एंडीज सबसे लंबी है, हमारे हिमालय की अपनी आती है, तो ये जो पर्वत श्रृंखला आपको यहां पर दिखाई दे रही है ये विश्व में चौथा स्थान रखती है। तो दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रेट डिवाइडिंग जो रेंज है ये विश्व में दोस्तों चौथा स्थान रखती है। तो दूसरी चीज आपको इसके बारे में ये भी पता होना चाहिए, विश्व में चौथा स्थान, फोर्थ स्थान ये वाली। तो 2 खूबियां आपको इसकी पता होनी चाहिए, पहली चीज ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, क्लियर हो गया। दूसरी चीज ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है।
तीसरी बात, विश्व में चौथा स्थान रखती है लंबाई के दृष्टिकोण से ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये भी अध्ययन की दृष्टि से अलग अलग यानी कि चार हिस्सों में बटी हुई है, मतलब चार अलग अलग पर्वत श्रेणियों में बटी हुई है। जैसे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है यानी कि ये वाला हिस्सा, ये दोस्तों जाना जाता है इसी नाम से जो आपको यहाँ पर लिखा है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ऊपरी वाला जो इसका पर्वत श्रृंखला है इसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से जाना जाता है। ध्यान से समझिएगा, उम्मीद करता हूं आपका ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहीं नहीं जाएगा। तो ग्रेट डिवाइडिंग जो सबसे ऊपरी श्रृंखला है, एक चीज हो गई। दूसरा जो ये वाला पार्ट आपको यहां पर दिखाई दे रहा, फिर इसकी दूसरी श्रृंखला है और इस दूसरी श्रृंखला को जाना जाता है किस नाम से, यानी कि न्यू इंग्लैंड के नाम से। न्यू इंग्लैंड, ये है न्यू इंग्लैंड पर्वत श्रृंखला। तो न्यू इंग्लैंड पर्वत श्रृंखला के नाम से इसे जाना जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम इस तरह से भी पूछा जाता है कि जो न्यू इंग्लैंड पर्वत श्रृंखला, तो आप लोग सीधे यूरोप महाद्वीप में टिक कर देंगे? नहीं, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है इसका हिस्सा है। फिर तीसरे में बटा हुआ है, तीसरा जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है ये वाला। अब इस वाले को कहा जाता है ब्लू माउंटेन। बहुत बार ये भी पेपर में पूछा जाता है कि ब्लू माउंटेन पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है, तो ब्लू माउंटेन ये हमारी कहां पर है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तो ये आपको पता होना चाहिए ब्लू माउंटेन। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे दक्षिणी भाग है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का, इसे जाना जाता है ऑस्ट्रेलियन आल्प्स के नाम से। ऑस्ट्रेलियन आल्प्स, ये है ऑस्ट्रेलियन आल्प्स। बहुत बार कोई आल्प्स पर्वत से भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में लोग रहते हैं कि जो आल्प्स श्रृंखला है वो तो यूरोप में है। आपको याद रखना है कि आल्प्स तीन जगह पर है, एक तो आल्प्स यूरोप वाली है, दूसरा ऑस्ट्रेलियन आल्प्स है, तीसरा दक्षिणी आल्प्स है जो न्यूजीलैंड में है। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये दोस्तों इस समय हम लोगों ने ग्रेट डिवाइडिंग श्रृंखला जो रेंज ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, उस पर चर्चा की। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में याद रखिएगा, दूसरा सबसे लंबी है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, तीसरा विश्व के चौथे स्थान पर है, और फिर जो दूसरी हमने बात की कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी चार अलग अलग पर्वत श्रृंखलाओं में बटी है, जिनमें सबसे ऊपरी हिस्सा इसका ग्रेट डिवाइडिंग के नाम से जाना जाता है, दूसरा पार्ट इसका न्यू इंग्लैंड पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है, और तीसरा जो हिस्सा है ये ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है, और आपका जो चौथा है ये ऑस्ट्रेलियन आल्प्स के नाम के जाना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप क्लियर तरीके से समझ गए हैं ऑस्ट्रेलिया के इस पार्ट को। अब दूसरा अगर हम पर्वत श्रृंखला की बात करें तो आपको ठीक यहाँ पर इसी वाले यानी कि ये जो प्रांत है ये क्वींसलैंड है, इसी क्वींसलैंड प्रांत में एक श्रृंखला आपको दिखाई देगी। इस पर्वत श्रृंखला का नाम है ग्रेगरी पर्वत। क्या नाम है? ग्रेगरी पर्वत। तो ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन जाएगा कि ग्रेगरी पर्वत किस महाद्वीप में है या किस देश में स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में या फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ग्रेगरी पर्वत है। इसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा आप इसके साथ माएंगे, यानी कि जो ये वाला प्रांत आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका, कल मैंने इस पर चर्चा कर दी है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया प्रांत, और इसी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में एक ये वाली पर्वत श्रृंखला है जिसे मैकडोनाल्ड पर्वत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से है? मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड पर्वत के नाम से। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, यानी कि मैकडोनाल्ड पर्वत ये वाला है। इसके अलावा दोस्तों एक आपको बिल्कुल पश्चिम में दिखाई दे रहा होगा, जिसे हम पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानते हैं, ये वाले क्षेत्र में, जिसे इसी के साथ साथ पर्थ भी इसी वाले क्षेत्र में है, इसे दोस्तों डार्लिंग पर्वत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? डार्लिंग पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये है ऑस्ट्रेलिया में डार्लिंग पर्वत। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रेलिया के जो पर्वत है इन पर हम लोगों ने चर्चा की। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम आती है सीधा सीधा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज सबसे लंबी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, विश्व के चौथे स्थान पर, चार हिस्सों में है। अगर आपसे क्वेश्चन बने कि न्यू इंग्लैंड पर्वत श्रृंखला, तो सीधा टिक कीजिए ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन पूछे ब्लू माउंटेन पर्वत श्रृंखला, सीधा टिक कीजिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, और ऑस्ट्रेलियन आल्प्स ऑस्ट्रेलिया में सीधा टिक करेंगे। दूसरा ग्रेगरी पर्वत पूछे तो ऑस्ट्रेलिया में है, मैकडोनाल्ड पर्वत श्रेणी पूछे तो ऑस्ट्रेलिया में है, और डार्लिंग पर्वत पूछे तो ऑस्ट्रेलिया में है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे ऑस्ट्रेलिया के सभी पर्वतों को। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी इसका मैंने बढ़िया तरीके से यहाँ भी लिखा है, आप यहाँ पर और बेटर तरीके से इसकी स्क्रीन। अच्छा एक चीज़ और हम लोग भूल गए, ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे ऊँची चोटी है वो हम लोग भूल गए हैं। क्वेश्चन बनता है कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊँची चोटी कहाँ पर है, तो जो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दिखाई दे रही है और ये ब्लू माउंटेन है, इसी ब्लू माउंटेन के साथ साथ आपको दोस्तों ये भी याद रखना है कि जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है
माउंट कोस्को, ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पर, है ना, ऑस्ट्रेलियन आल्प्स और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के साथ में यह बनी हुई है ये वाली। नाम क्या है दोस्तों, तो आपको याद रखना है, यानी कि माउंट क्विस्को, तो माउंट क्विस्को ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे ऊंची चोटी है ये आपको दोस्तों याद रखनी है। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया के सभी पर्वतों पर चर्चा की जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी आप यहाँ से भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए ऑलरेडी काम क्या कहते हैं नोट्स बनाने के लिए बढ़िया चीज़ें रखी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए अब दूसरी चीज़ जो दूसरी हमारी चर्चा होनी है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जो पठार है, अब हम लोग पठारों पर चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ पर्वत आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर आप मेरी ये महादीप वाली जो श्रृंखला है अगर आप इसे देख रहे हैं तो आपको अपने पास, मैंने कहा था कि आप लोग जो है फोटोकॉपी निकाल लीजिए इस तरह से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, लगभग छः छः हर महाद्वीप की जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अब देखो आप सीधा एक पेज दूसरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का रखता, वहाँ पर आप लिखते पठार और इस तरह से अपने वहाँ पर मेरे साथ साथ उन पठारों को भी मेंशन करते रहते, जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ उसको भी साथ साथ में लिखते। तो कोशिश कीजिएगा अगर आप मेरी प्रॉपर पूरे महाद्वीपों को मुझसे पढ़ना चाहते हैं और एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो अपने पास आप महाद्वीप को जो मैप है अवश्य रखें, बाकी साथ में आपकी एटलस भी होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको एटलस देखना भी अच्छी तरीके से आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आगे, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के अब पठारों पर, कि ऑस्ट्रेलिया में कितने पठार हैं, कहाँ कहाँ पर हैं और किन किन नामों से जाने जाते हैं। तो ये जो आपको दोस्तों पीछे ये दिखाई दे रहे हैं, ये जो चार पठार हैं, मोस्टली इन चार पठारों को ही आप याद रखिएगा क्योंकि परीक्षाओं में ज़्यादातर इन्हीं चार पठारों में से कोई ना कोई पठार पूछा जाता है। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ से शुरुआत करें तो आपको सबसे पहले इस स्थान पर एक पठार दिख रहा होगा सबसे नीचे, इसे जाना जाता है दोस्तों हैमर्सले के नाम से। किस नाम से? हैमर्सले का पठार, हैमर्सले का पठार। तो हैमर्सले का पठार यानी कि प्रांत तो प्रॉपरली आपको पता है, जो ये वाली आपको ये प्रांत दिखाई दे रहा है ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। तो हैमर्सले का जो पठार है वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत है। दूसरा, थोड़ा सा हम लोग और ऊपर जाए तो आपको एक पठार यहां पर इस स्थान पर दिख रहा होगा, ये जो पठार है दोस्तों इसे जाना जाता है किम्बरले के नाम से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है किम्बरले का पठार, ये है किम्बरले का पठार, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये पठार पूछा जाता है। तो दूसरा ये वाला किम्बरले का पठार है। तीसरा, अगर आप और आगे जाते हैं तो यहाँ पर एक प्रायद्वीप भी है, ये वाला प्रायद्वीप यानी कि तीन ओर से जल से जो घिरा हुआ है, तो इस जगह पर ये पठार बना हुआ है, ये प्रायद्वीप भी इसी नाम से है और पठार भी इसी नाम से। तो ये जो आपको पठार दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस पठार को जाना जाता है अनेहम के नाम से। तो ये है अनेहम का पठार, तो ये भी आपको याद रखना है अनेहम का पठार। साथ साथ में देखते रहिए, अगर एटलस खोला है तो एटलस में पढ़ते रहिए, और अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल आंखें ऐसी गड़ा कर रखिए कि आप सीधा मुझे ही देखते रहिए ताकि आपके दिमाग पर ये सारी चीज़ें छप जाए। और अगर आपने ऐसा काम किया है नक्शा लाया तो और चार चांद लग जाएंगे, मजा आ जाएगा नक्शा अगर आपके पास हो, बाकी देखते रहिएगा। इसके बाद यहाँ पर एक पठार बचता है जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है, ये वाला, इसे दोस्तों या फिर इसे दुआम्बे का या फिर टुआम्बे का पठार के नाम से जाना जाता है। तो दुआम्बे या फिर टुआम्बे, जो भी आप इसे पढ़े, तो दुआम्बे का पठार ये वाला है। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो पठार है इन पठारों को भी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। आप लोग इसकी बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन हाँ कोशिश कीजिएगा अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी खासतौर से महाद्वीप वाला सिस्टम, तो बिल्कुल नज़रें यहाँ पर गड़ी होनी चाहिए। जहाँ जहाँ पर मैंने लोकेशन रखी है दोस्तों, ये बिल्कुल वहीं पर एग्जैक्ट मैंने कोशिश की है उसी जगह पर लाने का, तो ताकि आप लोग इसे अगर मैप पे भी देखें तो आपको आसानी से चीज़ें मिलती रहेगी मेरे साथ। तो उम्मीद करता हूँ पठार आप समझ गए हैं, चार पठार याद रखने, कौन कौन से एक बार मेरे साथ दोहराइएगा। सबसे पहले हम लोग गए थे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, दो हम लोगों ने यहाँ पर पठार देखे, कौन सा पठार है एक बार बोलिएगा, नाम बोलना चाहिए तभी तो आपको आएंगे, आप बोलेंगे नहीं तो कहाँ से। तो यहाँ का पठार कौन सा है? तो हैमर्सले का पठार ऑस्ट्रेलिया में है। दूसरा पठार किम्बरले का, एग्जाम में पूछा जाता है, किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया में है। तीसरा आपको यहाँ पर है अनेहम का पठार, ऑस्ट्रेलिया में है। चौथा आपने यहाँ पर देखा होगा यानी कि दुआम्बे का पठार, ये भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में या फिर ऑस्ट्रेलिया देश में। इसके अलावा दोस्तों यहीं पर पठार के साथ साथ हम लोग थोड़ा सा प्रायद्वीप भी कर लेते हैं, प्रायद्वीप भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर हम लोग प्रायद्वीप की बात करें तो एक तो प्रायद्वीप आपको ये वाला याद रखना है, ये वाला जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये वाला प्रायद्वीप, ये प्रायद्वीप दोस्तों इसी के नाम से जाना जाता है, यानी कि दुआम्बे के नाम से इसे जाना जाता है, ये वाला प्रायद्वीप।
ये प्रायद्वीप आप जानते हैं जो तीन ओर से जल से घिरा हो, तो ये एक प्रायद्वीप ये दिखेगा। दूसरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक प्रायद्वीप आपको इस स्थान पर दिख रहा होगा। मैं इंपॉर्टेंट प्रायद्वीप पर चर्चा करूंगा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ये वाला। तो ये दो प्रायद्वीप आपको खासतौर से याद होने चाहिए, जिनमें से दोस्तों अगर हम लोग बात करें इस प्रायद्वीप की बात, तो ये आपको मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं, ये है केप यॉर्क प्रायद्वीप। कौन सा है? केप यॉर्क प्रायद्वीप। और दूसरा जो ये वाला आपको यहां पर दिख रहा है, ये दोस्तों अनेहम का जो पठार भी है, तो इसे अनेहम के पठार के नाम से जाना जाता है, यानी कि अनेहम का प्रायद्वीप। ये वाला तो प्रायद्वीप यहां पर लगभग लगभग कंप्लीट हो चुके। तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया तरीके से, अगर साथ में नोट्स बना रहे तो फिर तो चार चांद लग रहे होंगे। अब इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ते हुए दोस्तों अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब हम लोग यहां पर बढ़ेंगे यानी कि ऑस्ट्रेलिया की नदियां। नदियां तो दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल ऐसे याद होनी चाहिए, क्योंकि महाद्वीपों से नदियां, पठार, पर्वत, यही चीजें पूछी जाती हैं, या फिर महाद्वीपों से अगर आपसे और अगर कुछ ज्यादा पूछेगा तो कुछ वहां से खनिज पदार्थ पूछ सकता है, तो ये चीजें आपको प्रॉपर पता होनी चाहिए। तो चलिए यहां की नदियों पर भी थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट नदियां हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की या ऑस्ट्रेलिया देश की। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर नदियों की बात करें तो मैं प्रॉपर आपको यहाँ की नदियाँ बता देता हूँ कि कितनी इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं। पहली नदी तो मैं आपको बता दूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट दो नदियाँ हैं, यानी कि एक है डार्लिंग नदी, ऑस्ट्रेलिया की डार्लिंग नदी, दूसरी इसी की सहायक साथ में मिल जाती है डार्लिंग नदी के, यानी कि मर्रे नदी। मर्रे नदी आपको याद रखना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, डार्लिंग नदी, मर्रे नदी। तीसरी नदी आपको याद रखनी है विक्टोरिया नदी। विक्टोरिया, तीन शब्द आपको महाद्वीपों में मिलते हैं, एक तो विक्टोरिया प्रपात, एक विक्टोरिया झील, और एक आपको मिलेगी विक्टोरिया नदी। इसके अलावा एक नदी आपको याद रखनी है स्वान नदी। बस इतनी नदियां आप लोगों को याद रखनी है, बाकी आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो ये जो चार नदियां मैंने लिखी है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, सबसे इंपॉर्टेंट यही चार नदियां हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया डार्लिंग नदी, दूसरा मर्रे नदी, तीसरा विक्टोरिया, और चौथा स्वान नदी। तो आइए चलिए इन चारों नदियों को प्रॉपर तरीके से इस मैप में देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर में कहां से निकलती है, किस तरीके से दिखती है। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये जो मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की तरफ जाना पड़ेगा। एक चीज मैं आपको पहले समझा चुका हूं कि ऑस्ट्रेलिया जो देश है या जो महाद्वीप है ये वाला, इसका अधिकांश हिस्सा मरुस्थलीय है, मतलब पूरा की पूरा मरुस्थल वाला है। यहाँ पर मुश्किल से मुश्किल 4% हिस्से पर खेती की जाती है, बाकी पिछला हिस्सा जो है ये सारा के अभी जब मैं दिखाऊंगा तो पूरा मरुस्थल से घिरा हुआ है। बस इसी जगह पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या बसाव है और इन्हीं जगहों पर नदियाँ हैं और उपजाऊ क्षेत्र है। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं नदियों का। देखिए अगर हम लोग बात करें सबसे पहले इस डार्लिंग नदी की, कि आखिर में जो डार्लिंग नदी है ये कहाँ से निकलती है और किन क्षेत्रों में बहती है, तो सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा दोस्तों डार्लिंग नदी की रेखा पर, यानी कि इस क्षेत्र में। डार्लिंग नदी जो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जिस पर मैं पहले ही ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ, इसी क्षेत्र से निकलती है इस प्रकार से दोस्तों, और सीधा इस क्वींसलैंड प्रांत से आगे बढ़ती है। ये हमारी कौन सी नदी है, यानी कि डार्लिंग नदी, ये वाली, ये है डार्लिंग नदी। कहाँ से निकलती है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से। साथ साथ देखते रहें अच्छे तरीके से। डार्लिंग नदी के अलावा दोस्तों जो आपको इधर ब्लू माउंटेन पर्वत दिख रहा है, इसी ब्लू माउंटेन पर्वत के साथ मर्रे नदी निकलती है और आगे चलकर जो है जो ये ऑस्ट्रेलिया का जो ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया प्रांत है, इस प्रांत में दोनों मिलकर संयुक्त रूप से जो ये खाड़ी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये वाली खाड़ी, आपको इस जगह पर एक खाड़ी है, मैं ऑलरेडी इस खाड़ी को पढ़ा चुका हूँ, और ये खाड़ी है दोस्तों आपकी कौन सी, सस्पेंशन की खाड़ी। मैं पहले खाड़ी को पढ़ा चुका हूँ, सस्पेंशन की खाड़ी, ये है सस्पेंशन की खाड़ी। तो इसी सस्पेंशन की खाड़ी में ये दोनों नदियां जो है संयुक्त रूप से क्या होती है, बह जाती है, ये वाली है सस्पेंशन की खाड़ी, ये वाली, ये वाली। अब देखिए जो डार्लिंग नदी है, डार्लिंग नदी तो ये उत्तर वाली है जो ग्रेट डिवाइडिंग से निकल रही है, और ये मर्रे नदी है जो निकल रही है हमारे यानी कि निचले वाले क्षेत्र ब्लू माउंटेन, बाकी डिवाइडिंग रेंज से ही निकल रही है। यही वो क्षेत्र है मर्रे वाला जो मैंने पहले चर्चा कर चुका हूँ कि ऑस्ट्रेलिया भेड़ों के लिए सबसे प्रसिद्ध है। मैंने आपको पहले बताया था कि ऊन के लिए विश्व का 1/3 जो भेड़ पालन होता है वो ऑस्ट्रेलिया में होता है। सबसे उन्नत किस्म की जो ऊन होती है या जो भेड़ पालन है मरीनो, वो भी ऑस्ट्रेलिया में, वो मरीनो इसी वाले मर्रे वाले क्षेत्र में है। तो ये वाला क्षेत्र दोस्तों यानी कि जो ये आपको दिखाई दे रहा है भेड़ पालन के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है, ये वाला क्षेत्र, तो ये भी आपको याद रहे। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर आपको सिडनी दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये सिडनी, इस स्थान पर
क्वेश्चन बनता है कि सिडनी किस नदी के तट पर है, तो आपको याद रखना है कि इसी मर्रे नदी के तट पर हमारा सिडनी शहर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखिएगा। बाकी दोस्तों अब यहाँ से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं अब करने वाला हूँ, ये जो आपको बीच का दिख रहा है, आपने पढ़ा होगा कि जो दो नदियाँ होती हैं, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है ना। जैसे दो नदी आ रही है तो उसका जो बीच का क्षेत्र होता है, अब दोनों नदियों के मिट्टियों से जलोढ़ बन जाता है, बिल्कुल जलोढ़ मृदा का रहता है और खूब उपजाऊ होता है। तो इस दोआब में फसल खासतौर से गेहूं आदि की फसलों के लिए बहुत उपयुक्त रहता है। तो ये जो बीच का ये क्षेत्र दिख रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र है और इस क्षेत्र को जाना जाता है किस नाम से, इसको जाना जाता है दोस्तों रेवरीना के नाम से। ये शब्द आपको याद रखना है, कौन सा नाम याद रखना है, यानी कि रेवरीना। तो आपसे पूछेगा कि रेवरीना का जो दोआब है वो किस महाद्वीप में है, तो रेवरीना का दोआब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। किन दो नदियों के बीच में है, ये दोस्तों डार्लिंग और मरे नदी के बीच में है और सबसे उपयुक्त किसके लिए, जलोढ़ मृदा का है और गेहूं के लिए सबसे ज्यादा प्रयुक्त है, गेहूं के लिए ये वाला क्षेत्र। तो ये चीज भी आपको याद रखनी, खासतौर से रेवरीना का दोआब याद रखिएगा। तो मैंने इन नदियों को समझा दिया है, पहले मैंने बताया कि यहाँ से डार्लिंग मर्रे नदी निकलती है, डार्लिंग डिवाइडिंग रेस से निकलती है मर्रे ब्लू माउंटेन से, इसी मर्रे के तट पर सिडनी है, यही मर्रे नदी वाला क्षेत्र जो है मरीनो भेड़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और नदी दोनों मिलकर जो है किस में गिरती है, सस्पेंशन की खाड़ी में। इसका जो दोआब है ये रेवरीना दोआब है, गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त, ऑस्ट्रेलिया का सबसे जो है कृषि के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट भूभाग है ये वाला। तो क्लियर हो गया होगा ये वाला नदी का। अब थोड़ा सा, अब इसके बाद इधर की नदियाँ कोई नहीं है, अब हमको चलना पड़ेगा कहाँ पर, यानी कि सीधा इस क्षेत्र में। अब दोस्तों अभी तक मैंने आपको यहाँ पर एक जो है एक पठार पढ़ाया था इस जगह पर, अगर आपको याद होगा इस जगह पर, और वो पठार मैंने आपको पढ़ाया था किम्बरले का पठार, याद है तो याद रहेगा, जस्ट अभी पढ़ा कर जा चुका हूँ किम्बरले का पठार। और ये जो किम्बरले का पठार है, इसी पठार से एक नदी निकलती है जिसकी मैं अभी चर्चा भी कर रहा था, यानी कि विक्टोरिया नदी, ये वाली नदी। और ये विक्टोरिया नदी दोस्तों किस खाड़ी में जाकर गिर जाती है, तो यहाँ पर आपको एक खाड़ी दिखाई दे रही है और इस खाड़ी पर मैं पहले ही ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ, ये खाड़ी है हमारी किसकी, यानी कि जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी। तो जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी में ये नदी गिर जाती है, जिस तरह से डालरे मर्लिंग कहाँ पर गिरती है, सस्पेंशन की खाड़ी में, ठीक इसी प्रकार से जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी में नदी गिर जाती है, कौन सी, यानी कि हमारी ये वाली नदी, ये है विक्टोरिया नदी। दोस्तों विक्टोरिया से तीन क्वेश्चन आते हैं, एक आता है विक्टोरिया जलप्रपात, एक आता है विक्टोरिया झील, एक आता है विक्टोरिया नदी। अगर विक्टोरिया नदी आए तो ऑस्ट्रेलिया में टिक करेंगे, बाकी विक्टोरिया जलप्रपात और विक्टोरिया जो झील है ये दोनों की दोनों अफ्रीका महाद्वीप में है। इस पर हम लोग जब अफ्रीका महाद्वीप पढ़ेंगे तो वहां पर प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा और याद दिलाऊंगा इस नदी की भी, तो याद रखिएगा अपने साथ। तो उम्मीद करता हूँ इस नदी को भी समझ गए होंगे, विक्टोरिया नदी को, यानी कि नदी निकल रही है हमारी कहाँ से, किम्बरले के पठार से और आगे जाकर जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी में गिर जाती है कदम। अब इसके बाद आइए पश्चिम में, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में दोस्तों एक नदी आकर गिर जाती है, ये वाली, यहाँ से इस प्रकार से नदी आती है और यहाँ पर जाकर गिर जाती है। ये नदी है दोस्तों स्वान नदी, और स्वान नदी से बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो यहाँ पर ये जगह आपको दिखाई दे रही है पर्थ, पर्थ से पूछता है ये वाले, ये जगह है यहाँ पर पर्थ, और पर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे के सारे इनके जो शहर है पूर्वी दिशा में है, सिर्फ पर्थ एक पश्चिम में है या पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में। तो पर्थ जो है किस नदी के तट पर है, ये स्वान नदी के तट पर है। तो बस इतनी नदियाँ आपको याद करनी थी, चार नदियाँ हैं, उम्मीद करता हूँ याद हो गई, डार्लिंग मर्रे विक्टोरिया स्वान नदी, कहाँ कहाँ बहती है, क्यों प्रसिद्ध है, किस लिए है, सारी नदियाँ। क्वेश्चन बनेगा ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी दोस्तों डार्लिंग नदी है, बस इस चीज़ को अपने साथ याद रखिएगा, ये जो नदी है ये सबसे लंबी नदी है ऑस्ट्रेलिया की, ये भी एक चीज़ याद रखिएगा, सबसे लंबी नदी। बस तो नदियों में दोस्तों मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल से बता दी है और इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपको साफ दिख रहा है, सही तरीके से दिख रहा है, तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम लोग सीधा अब इसके बाद आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसके बाद आगे, आगे बढ़ते हुए दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा मरुस्थल पर चर्चा करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर में जो प्यासी भूमि के लिए उत्तरदायी यहाँ पर मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया के, तो हमको यहाँ के मरुस्थल प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। तो आइए चलिए सीधा उस पर ही चर्चा करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से इंपॉर्टेंट मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो आपको याद रखना है कि जो ये वाला क्षेत्र है पूर्वी क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र तो
उपजाऊ, काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र है। और ये क्षेत्र सिर्फ इसलिए उपजाऊ है क्योंकि जो यहाँ पर मैंने आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बताई थी, उस रेंज के कारण जो है इधर से जो पवने चलती है वो सीधा चलकर इस पहाड़ पर टकराती है और इन क्षेत्रों में वर्षा करवाती है, इसलिए इम्पोर्टेंट। लेकिन इसकी वजह से इस क्षेत्र में पवने नहीं आ पाती हैं और इसीलिए शुष्क वातावरण बना रहता है और ये यहाँ पर मरुस्थलीय भाग उत्पन्न हो जाता है। तो आइए चलिए कौन कौन से मरुस्थल है। तो पहली चीज़ तो एक क्वेश्चन जो आता है ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल से लेकर, आपको याद रखना है कि जो ऑस्ट्रेलिया का ये पश्चिमी वाला भाग है, ये वाला, ये पूरा की पूरा दोस्तों आपको याद रखना है कैसा है, मरुस्थलीय है। ये पूरी की पूरी बेल्ट, ये वाली पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच वाली, और इस पूरे की पूरी बेल्ट को एक नाम दिया जाता है यानी कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। क्वेश्चन आता है पेपर में कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है। देखो ग्रेट, एक तो विक्टोरिया नदी पड़ चुके हैं, एक आता है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल इस ऑस्ट्रेलिया के पूरे क्षेत्र को कहा जाता है। तो पहली चीज़ तो आपको ये समझनी है कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में है, किस महाद्वीप में है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, क्लियर। अब देखो ये जो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है ये तो पूरे को कहा गया है। अब इस ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल में भी दोस्तों अलग अलग मरुस्थल है और उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अब देखिए मैं आपको क्रम से समझाऊंगा, अगर आप प्रॉपर अपने मैप पर देख रहे होंगे तो आप अच्छे तरीके से क्रम से समझते रहेंगे। देखिए सबसे पहले आपको बात करनी है, यहाँ पर आपको सबसे पहले एक मरुस्थल इस स्थान पर दिखाई देगा, ये वाला, उम्मीद करता हूँ ये पीला वाला आपको कलर दिख रहा होगा, ये वाला पहला मरुस्थल इस स्थान पर आपको दिखेगा। और ये मरुस्थल आपको ग्रेट सैंडी के नाम से दिखेगा दोस्तों, किस नाम से, ग्रेट सैंडी के नाम से। ये वाला मरुस्थल ये है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल। तो पहला मरुस्थल है ग्रेट सैंडी मरुस्थल, एटलस खोली है तो प्रॉपर लोकेशन में देखिए। दूसरा मरुस्थल, दूसरा मरुस्थल आपको आना पड़ेगा इस स्थान पर, ठीक इसके नीचे आइए यहां पर, इस जगह पर, और यहां पर देखिए ये वाला, यहां पर लिखा होगा दोस्तों ग्रेट गिब्सन मरुस्थल। क्या लिखा होगा, ग्रेट गिब्सन मरुस्थल। ग्रेट गिब्सन मरुस्थल, उम्मीद करता हूं आपको दिखाई दे रहा होगा, वरना मेरे साथ सुनते रहिए, नोट करते रहिए। तो ग्रेट गिब्सन मरुस्थल थोड़ा सा नीचे है, और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो थोड़ा सा नीचे, इसके नीचे आपको एक और मरुस्थल दिखाई देगा इस जगह पर, यहां पर, और ये मरुस्थल है ग्रेट विक्टोरिया के नाम से। दोस्तों देखो पूरे को तो कहा जाता है ग्रेट विक्टोरिया, जो पूरे, जो ये पूरा ऑस्ट्रेलिया का पश्चिम क्षेत्र ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल के नाम से जाना, लेकिन इसमें भी अलग अलग बटे हुए, और ये भी इनमें से किस नाम से है, तो ये भी ग्रेट विक्टोरिया के नाम से जाना जाता है। ये है ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा, अगर आप समझने का प्रयास कर रहे होंगे तो मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से और प्रॉपर उन्हीं चीज़ों पर चर्चा कर रहा हूं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, और अगर फोकस लगाए होंगे तो प्रॉपर तरीके से आपके दिमाग में भी चीज़ें जा रही होगी। बस थोड़ा सा समझना है कि साथ साथ चलना है कि कहाँ कहाँ कलम, आपको अपनी कलम मैप रखा है, एटलस रखे, एटलस में घुमाओ कहाँ है, और मैं प्रॉपर लोकेशन के साथ चल रहा हूँ, आपको ऐसे दिख रहे होंगे ग्रेट सैंडी गिब्सन विक्टोरिया ऐसे दिख रहे होंगे आपके प्रॉपर तरीके से। अगर नक्शा ला रखा तो बहुत बढ़िया, साथ साथ में भर रहे होंगे। आगे बढ़ता हूँ अगले की ओर, अगला आपको दिखाई देगा इस जगह पर, यहाँ पर, इस जगह पर, और यहाँ पर आपको एक अन्य मरुस्थल दिखाई देगा। ये मरुस्थल है दोस्तों ग्रेट सिम्पसन मरुस्थल। कौन सा है, ग्रेट सिम्पसन, या फिर सीधा आप इस प्रकार से लिख सकते हैं सिम्पसन मरुस्थल। ये है सिम्पसन मरुस्थल। इसके अलावा दोस्तों ठीक इसके उत्तर में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक और मरुस्थल दिखाई देगा इस जगह पर, और इस मरुस्थल का नाम आपको दिखाई देगा तनामी मरुस्थल। क्या दिखाई देगा, यानी कि तनामी मरुस्थल, ये है आपका तनामी। मरुस्थल, अब एक मरुस्थल ऐसा है जो इस विक्टोरिया मरुस्थल के बाहर है, यानी कि पूर्वी क्षेत्र की तरफ है दोस्तों, तो वो विक्टोरिया वाले में शामिल नहीं है। तो यहां पर आपको याद रखना एक मरुस्थल इस स्थान पर भी है, और ये दोस्तों स्टुअर्ड मरुस्थल के नाम से
जाना जाता है। तो स्टुअर्ट मरुस्थल भी हमारा ऑस्ट्रेलिया में है, इस जगह पर है ये वाला। किस नाम से है, यानी कि स्टुअर्ट, स्टुअर्ट मरुस्थल। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया के जो मरुस्थल है, प्यासी भूमि का देश इसको कहा जाता है, तो प्यासी भूमि का देश इन्हीं मरुस्थल, देख लीजिए कितने बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं ये मरुस्थल। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया तरीके से, ये सारे के सारे मरुस्थल मैंने आपको समझा दिए हैं। ये ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट ऑस्ट्रेलिया में है, अलग अलग पार्ट, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया, तनामी, सिम्पसन, स्टुअर्ट, सारे मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया देश के। दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, बाकी सीधा अब आगे बढ़ते हैं अगले उस पर। अगले उस पर आगे बढ़ते हुए अब दोस्तों थोड़ा चर्चा करेंगे कि आखिर में इसको प्यासी भूमि का देश क्यों कहा जाता है। थोड़ा नॉर्मल आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश क्या, समझ गए आप, मैंने पठार पढ़, मैंने आपको मरुस्थल पढ़ा दिए तो आप समझ गए, क्योंकि मरुस्थल है पूरा की पूरा, बारिश होती नहीं होगी तो इसलिए प्यासी भूमि का देश। लेकिन ये मरुस्थल है क्यों, आखिर मरुस्थल बनने के पीछे क्या कारण है, तो वो दो कारण समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं। देखिए अभी अभी हम लोगों ने दोस्तों चर्चा की इस पर, ये है इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है ये वाला पूरा की पूरा, ये इसका विक्टोरिया मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, यानी कि ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट। और इसको साथ साथ में दोस्तों वृष्टि छाया क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी कि छाया वृष्टि क्षेत्र भी आप बोल सकते हैं, वो हिस्सा जहाँ पर वर्षा नहीं होती है। जैसे अगर आप उत्तराखंड की नॉर्मली बात करूँ, अगर आप उत्तराखंड के छात्र देख लोगे तो जो हमारा हिमालय वाला पार्ट है, जो बिल्कुल ट्रांस वाला, वहाँ बर्फ नहीं, वहाँ सीधा बारिश होती नहीं, बर्फ पड़ती है, तो वो छाया वृष्टि क्षेत्र बिल्कुल ढलान के पीछे। इसी तरह से यहाँ पर वर्षा नहीं होती है तो विक्टोरिया डिजर्ट को वृष्टि छाया। अब थोड़ा समझते हैं कि क्यों यहाँ पर बारिश नहीं होती है, क्या वो कारण है जो ये पूरा के पूरा क्षेत्र जो है मरुस्थल से भरा हुआ। तो थोड़ा सा समझिए, देखिए बढ़िया तरीके से समझाएंगे। सबसे पहले तो दोस्तों आपको यहाँ से समझाएंगे, ये जो इधर वाला क्षेत्र है मैंने ऑलरेडी पहले चर्चा की है जब आपको मैंने महासागर पढ़ाए थे, ये है प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है प्रशांत महासागर। और ये जो प्रशांत महासागर है, इस प्रशांत महासागर से दोस्तों जब समुद्री पवने चलती है यहाँ से इस प्रकार से, ये समुद्री पवने चलते हुए सीधा कहाँ पर टकराती है, इस ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत से टकराती है। जब इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से टकराएगी तो टकराने के बाद दोस्तों ये सारी के सारी जो वर्षा है वो इस क्षेत्र में करती है, यानी कि बारिश सारी इसी क्षेत्र में होती है, ज़्यादा से ज़्यादा ये वाला जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पर, इसलिए इधर को माहौल शुष्क बना रहता है, कभी बारिश नहीं हो पाती है। एक कारण तो इसके लिए, तो पहला कारण आप कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश या जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जो मरुस्थलीय भाग है उसके लिए उत्तरदायी है, यानी कि पूर्व में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। दूसरा कारण की अगर मैं बात करूं तो दूसरा कारण है आपका, यानी कि ये वाला ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी हिस्सा। और पश्चिमी हिस्सा आखिर में क्यों है, तो थोड़ा सा अब मैं आपको यहाँ पर इसको समझाने वाला हूँ। देखिए पश्चिमी हिस्से की बात दोस्तों अगर करे जाए तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया है कि ये हिंद महासागर है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में है हिंद महासागर, और इस हिंद महासागर में ठंडी जल धाराएं उत्पन्न होती है इस प्रकार से ये वाली, और ये सीधा ऑस्ट्रेलिया के इस पश्चिमी तट पर टकराती है और इस तरह से उत्तर की ओर निकल जाती है। और ये जो ठंडी जलधारा है इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा। तो यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया की जो पूर्वी धारा वो गर्म जलधारा है प्रशांत वाली, और ऑस्ट्रेलिया की जो इधर वाली है ठंडी जलधारा, और ये ठंडी जलधाराएं जो है यहीं पर अपना चक्र बनाती हैं, बाकी इधर जो है वर्षा का क्षेत्र कैसा शुष्क रख देती है। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण है हिंद महासागर की ठंडी जलधारा, आपको याद रखना हिंद महासागर की ठंडी जलधारा ऑस्ट्रेलिया में जो ये पश्चिमी क्षेत्र है मरुस्थलीय इसके लिए जिम्मेदार है, और दूसरा जो ये पूर्व में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये ऑस्ट्रेलिया में पश्चिमी क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। तो बस दोस्तों इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में पूरा की पूरा पश्चिमी क्षेत्र मरुस्थलीय है और इसीलिए इसको प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। बाकी आप बढ़ेंगे आगे और साथ साथ में दोस्तों नोट भी करते रहें चीज़ें जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, अब हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करनी है यानी कि ऑस्ट्रेलिया के झीलों पर। ज़्यादा झील नहीं है, तीन झीलें हैं, तीन की तीन झीलें अभी नोट डाउन कर लीजिए और थोड़ा सा पढ़ लीजिए, है ना। एक दो झील इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है, बाकी नॉर्मल थोड़ा सा साथ में लेकर चलिए। देखिए ऑस्ट्रेलिया की झीलों की बात करें तो आपको प्रॉपर तरीके से तीन झीलें, सबसे पहले जो ये इसका पश्चिमी प्रांत है, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर एक झील है मूर झील। एक तो इसको आपको याद रखनी है अगर कभी क्वेश्चन आए कि मूर झील किस महाद्वीप में है या फिर किस देश में है, तो ऑस्ट्रेलिया देश में। दूसरा आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, ये है दोस्तों आपकी मैके झील। एक आपको मैके झील को याद रखनी, तो मूर झील मैके झील दोनों की दोनों ऑस्ट्रेलिया में। अब तीसरी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, आयरे झील, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। एक तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे न्यूनतम मतलब जो अंदर की भूमि होती है डाउन वाली जो भूमि होती है ये वाली मानी जाती है आयरे वाली झील,
इसके साथ साथ दोस्तों यहीं पर इसी के नाम से आयरे प्रायद्वीप भी है, ये वाला, ये जो प्रायद्वीप है इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा, इसे आयरे प्रायद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। बस इस झील को याद रख लीजिएगा, बाकी कुछ नहीं आयरे झील को। तो तीन झीलें याद रखनी है, कौन कौन सी झीलें आप याद रखेंगे, यानी कि पहली आप याद रखेंगे मूर झील, मैंने प्रॉपर लोकेशन भी आपको यहाँ पर दिखा दी है। दूसरी आप याद रखेंगे यानी कि मैके झील, मैके झील भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट है आयरे झील, ये प्रॉपर दोस्तों आपको याद होनी चाहिए। बस ये तीन झीलों में ज़्यादा चर्चा नहीं होगी। अब जो इम्पोर्टेंट चर्चा का विषय है वो ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ग्रेट बैरियर रीफ। जिस प्रकार से यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज थी मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसी तरीके से ग्रेट बैरियर रीफ जिसको प्रशांत या समुद्र का बगीचा भी कहा जाता है, प्रशांत महासागर का बगीचे के नाम से भी जाना जाता है, इस ग्रेट बैरियर रीफ पर थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में, तो प्रशांत महासागर में, ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में या ऑस्ट्रेलिया देश में है, तो ये प्रॉपर आपको पता होंगे। तो थोड़ा ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अगर दोस्तों हम लोग ग्रेट बैरियर रीफ की बात करें जो यहाँ पर लिखा हो, तो इसका जो आपको शब्द यहाँ पर जा रहे हैं दो शब्दों पर जाइए, ये है बैरियर, ये है रीफ। बैरियर की अगर मैं बात करूँ तो बैरियर का अर्थ होता है अवरोध, रोकना, ठीक है, क्या होता है अवरोध। और अगर मैं रीफ की बात करूँ तो रीफ की बात का मतलब होता है भित्ति, भित्ति का मतलब एक तरह से दीवार, तो अवरोध भित्ति मतलब रोकने वाली एक तरह से दीवार है ना, तो इसको कहा जाता है इसीलिए ग्रेट बैरियर। ये जो ग्रेट बैरियर आपको भित्ति दिख रही है ये दुनिया की सबसे लंबी है। ये कितनी है दोस्तों, ये लगभग 1900 किलोमीटर लंबी एक ग्रेट बैरियर है या फिर एक लंबी दीवार है, समझ लिया। अब हमको समझना है कि आखिर में जो ये ग्रेट बैरियर है ये बनी कैसे, यहाँ पर इतनी लंबी समुद्र में बगीचा इसे कहा जाता है, तो ये बनी कैसे। तो इसके लिए दोस्तों एक समुद्र जीव है इसके लिए उत्तरदायी। क्या नाम है इस समुद्र जीव का, तो थोड़ा सा इसको आप लोग समझेगा, इसका नाम है सेलेंटोरोटा, सेलेंटोरोटा, सेलेंटोरोटा पॉलिप। तो सेलेंटोरोटा जो पॉलिप है ये एक समुद्री जीव है, और ये जो समुद्री जीव है ये दोस्तों जो इसके अवशिष्ट होते हैं, मतलब जब ये मर जाते हैं तो जो इसके अवशिष्ट होते हैं उन अवशिष्टों से लगातार लाखों सालों से जो है ये जब सेलेंटोरेट पॉलिप नामक का जीव लगातार जब इसके अवशिष्ट यहाँ पर एकत्रित होते होते तो ये इतनी बड़ी एक भित्ति दीवार खड़ी हो गई है, इसी से इस ग्रेट बैरियर रीफ का निर्माण हुआ है। अब जो ये ग्रेट बैरियर रीफ है इसको किन किन नामों से जाना जाता है, आजकल वर्तमान में किन किन उससे निर्माण हुआ है, तो बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे आपने इसे देखा होगा, इसको जाना जाता है मूंगे की चट्टान, बहुत बार मूंगे की चट्टान के नाम से भी आता है कई जगह, मूंगे की चट्टान, तो मूंगे की चट्टान के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरा आपने देखा होगा इसी को दोस्तों परवाल भित्ति के नाम से जाना जाता है, परवाल भित्ति, ये परवाल भित्ति के नाम से भी जाना जाता है, इसी जीव से दोस्तों इसका निर्माण होता है। परवाल भित्ति के अलावा दोस्तों इसको कोरल, बहुत बार कोरल के नाम से भी आता है, कोरल के नाम से, और जो वर्तमान में चर्चित है, वर्तमान में ये एटोल के नाम से चर्चित है, एटोल। तो इस तरह से इन सभी से इसका निर्माण होता है, यानी कि मूंगे की चट्टान इसी के लिए कहा जाता है, परवाल भित्ति इसी को, कोरल, एटोल, ये सारी चीज़ें इसी को, और जो सेलेंटोरोटा पॉलिप समुद्र जीव से निर्मित हुआ है। तो बस इतना भी आपको पता रखना है कि ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये कैसे निर्मित हुई है, इसका अर्थ क्या होता है, किस महासागर में है और किस देश में, इतना नॉर्मली पता होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ रहे होंगे, प्रॉपर तरीके से आपको डिटेल से चीज़ें दे रहा हूँ, और एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें आपको मिल रही है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारी चर्चा होने वाली है ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों पर। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान भी पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट घास के मैदान तो पूरी दुनिया के पूछे जाते हैं, और बहुत सारे लोग रट्टा लगाते हैं कि घास के मैदान कैसे याद होगे, कौन से शीतोष्ण, कौन से उपोष्ण, कौन से उष्ण, ऐसा कुछ नहीं है। अगर नक्शा समझ लिया है, महसूस कर लिया है, लकीरें जो काल्पनिक रेखाएं हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, इनको महसूस कर लिया है तो चुटकियों में सारी चीज़ें हो जाती है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा देखते हैं, आइए चलिए कि ऑस्ट्रेलिया में आखिर में कौन सा है। पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी है कि ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, काल्पनिक रेखा, यानी कि हमारी 23.5 डिग्री की मकर रेखा, ये ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल बीच से गुजरती है, ये है दोस्तों 23.5 डिग्री की यानी कि मकर रेखा। अब मकर रेखा के ठीक दक्षिण में दोस्तों, यानी कि 23.5 डिग्री से, एक हमेशा खासियत पता रखना कि 23.5 डिग्री से लेकर जो 45.5 डिग्री की अगली रेखा होगी यहां पर, ये वाली, ये
ये 45 क्या हो गया, ये वाली, ये है 45 डिग्री की रेखा, साढ़े बंदे इसके बीच में ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान बने हैं यहां पर दोस्तों, ये वाले, ये जो घास के मैदान है इनको जाना जाता है सवाना घास के मैदान के नाम से, ठीक है, सवाना घास के मैदान। और हमेशा सवाना घास के मैदान इसी बेल्ट में पूरी दुनिया में आपको देखने को मिलेंगे, सवाना घास के मैदान। जबकि जो ऑस्ट्रेलिया के अपनी खासियत है या फिर जो इस रेखा से नीचे होते हैं 45.5 रेखा से डिग्री से नीचे अगर चले गए ग्राउंड जो मैदान होते हैं वो अलग अलग नामों से प्रत्येक देश में प्रत्येक महाद्वीप में अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं। जैसे अब सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, इसी रेखा से नीचे यहां पर एक मैदान का निर्माण, घास के मैदान का निर्माण होता है जिसको हम लोग ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के घास के मैदान के नाम से जानते हैं। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डाउन्स के घास के मैदान है वो कहाँ पर पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स का मतलब होता है बहुत ही गहराई में नीचे, तो डाउन्स के घास के मैदान ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में है, डाउन्स के घास के मैदान। और यही वो घास का मैदान है, किस प्रकार का है तो आप लोग जानते हैं कि मकर रेखा से भी नीचे और साथ ही साथ जो 45 डिग्री की रेखा इससे भी नीचे तो ठंडी प्रदेश में अर्थात ये शीतोष्ण घास के मैदान होंगे। कैसे होंगे? शीतोष्ण। तो रेखाओं के आधार पर अगर आपको प्रॉपर तत्व पता चलेगा तो आप लोग आसानी से कर पाएंगे। जो विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच होंगे, विषुवत रेखा मकर रेखा आपको पता है उष्ण गर्मी है तो गर्मी वाले उष्ण मैदान होंगे। जो मकर रेखा और 45 डिग्री के बीच होंगे सवाना घास के मैदान होंगे। जो 45 से नीचे जाएंगे वो ठंडे होंगे यानी कि शीतोष्ण घास के मैदान, बाकी अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाने। जैसे न्यूजीलैंड में जाएंगे और नीचे तो इस रेखा से बहुत नीचे वहां कैंटेबरी के नाम से जाने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जाने जाते हैं डाउन्स के नाम से और ऊपर वाले सवाना के नाम से। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो इसकी भी आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस जगह से आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये वाले। बाकी अब इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा मैंने यहां पर विश्व के जो घास के मैदान है उसकी एक फोटो लेकर आया हूं, आप लोग इसकी फोटो ले सकते हैं। जैसे आप नॉर्मली अगर यहां पर देख रहे होंगे तो आपको मैंने, हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया पर अभी चर्चा की थी, तो ऑस्ट्रेलिया में ये डाउन्स के नाम से जाने जाते हैं। न्यूजीलैंड में जाएंगे तो आप कैंटबरी के मैदान, ये वाले कैंटबरी के मैदान आपको मिलेंगे। और पूरे अगर आप देख रहे होंगे ये कर्क रेखा है, ये वाली, ये भूमध्य रेखा है। तो कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में जितने भी आपको ये वाले जो घास के मैदान देखने को मिलेंगे इसके बीच में, वो सारे दोस्तों कैसे होंगे, यानी कि उष्ण घास के मैदान जो इन रेखाओं से डाउन होंगे, ये वाले नीचे के शीतोष्ण होंगे, इस रेखा से ऊपर सारे के सारे शीतोष्ण होंगे। आपको पता है प्रेरीज घास के मैदान ये उत्तरी अमेरिका में है, शीतोष्ण है, टुंड्रा शीतोष्ण है ये वाले। इसके अलावा हंगरी में जो है फूरीज के मैदान शीतोष्ण है, ये वाले जो है स्टेपी बुग्याल वाले ये शीतोष्ण है। बाकी अगर आप अंदर के वाले देखोगे जैसे साहिल का मैदान है, ये कंपास का मैदान है, सेलवास के मैदान है, लानोस के मैदान है, ये दोस्तों उष्ण मैदान है। बाकी ये जो अर्जेंटीना में एक पड़ता है पंपास का मैदान, ये शीतोष्ण मैदान। अफ्रीका में आप देखेंगे सारे के सारे ऊपर के ये इसके बीच के उष्ण है और जो नीचे वेल्ड का है ये शीतोष्ण होते हैं। तो इस तरीके से मैं लाऊंगा प्रॉपर वीडियो इस पर भी, तब वहां पर अच्छे तरीके से डिटेल से इसको समझने का प्रयास करेंगे। बाकी आप इसकी भी जो है एक तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों अभी हम लोगों ने चर्चा की यानी कि ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदानों पर। अब दोस्तों लास्ट में हम लोग चर्चा करने वाले हैं यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जो खनिज पदार्थ है, तो खनिज पर हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर में किन किन क्षेत्रों में ऑस्ट्रेलिया में कहां कहां पर किस किस प्रकार के खनिज देखने को मिलते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इस पर भी चर्चा कर ली जाए। अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो मैंने कुछ यहाँ पर आपके पास इम्पोर्टेंट क्षेत्र दिए और इन्हीं को आपको प्रॉपर याद भी रखना है क्योंकि यहाँ पर किन किन जगह पर क्या क्या जो है खनिज पाया जाता है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर चर्चा करें तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ दिख रहा है मेरी कैथरीन या फिर कैनबरा। मेरी कैथरीन और कैनबरा की हम लोग दोस्तों अगर बात करें तो आपको याद रखना है ये दोस्तों यूरेनियम के लिए बहुत प्रसिद्ध है, यूरेनियम। और आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम भंडार के दृष्टि से दोस्तों ये प्रथम स्थान पर आता है, जबकि उत्पादन की दृष्टि से यूरेनियम में अब कजाकिस्तान जो है प्रथम स्थान पर आ चुका है, बाकी दोस्तों कनाडा दूसरे स्थान पर रहता है। तो यूरेनियम आपका इस स्थान पर मिलता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर जाएंगे यानी कि रॉक हिम्पटन, तो ये वाला क्षेत्र दोस्तों इसका कोयले के लिए बहुत प्रसिद्ध है। किसके लिए है? यानी कि कोयले के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा क्षेत्र है? रॉक हिम्पटन क्षेत्र, ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप इससे ऊपर जाएंगे यानी कि ये वाला क्षेत्र जिसे वाइपा वेपा या फिर बॉक्सा के नाम से जाना जाता है,
ये दोस्तों बॉक्साइट के लिए विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र है, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो ये बॉक्सा नाम था इसी के नाम पर बॉक्साइट भी पड़ा है। तो इस जगह पर बॉक्साइट के लिए, जो ये वाला केप यार्क वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये बॉक्साइट के लिए ऑस्ट्रेलिया का बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, बाकी से वाइपा या वेपा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रही होगी ब्रोकन हिल्स, ये जो ब्रोकन हिल्स है ये यहाँ पर दोस्तों चांदी, इसके अलावा दोस्तों टिन और जस्ता, इसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध क्षेत्र है यहाँ का, यानी कि ब्रोकन हिल्स वाला क्षेत्र। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एलिस स्प्रिंग, एलिस स्प्रिंग दोस्तों ये पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए, पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए बहुत प्रसिद्ध है यहाँ का क्षेत्र, तो इसको आप पेट्रोलियम के लिए याद रखेंगे। बाकी जो ये पिलवरा आपको दिखाई दे रहा है पश्चिमी क्षेत्र में, ये लौह अयस्क के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, पिलवरा लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और साथ ही साथ ये तो एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि कालगरली और कुलगरली, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर ये भी पता होना चाहिए, और दोनों की दोनों दोस्तों क्षेत्र सोने के भंडार के नाम से जाना जाता है, सोने के भंडार। तो ये दोस्तों इस समय हम लोगों ने इस पर चर्चा की, बाकी यहाँ पर अगर यह साफ नहीं दिख रहा है तो यहाँ से आप लोग इसकी फोटो ले सकते हैं, तो आप इसकी जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इस स्थान से। बाकी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है इसी के साथ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कल की वीडियो में जो मैं कल 8 बजे आपके बीच में लेकर आऊँगा वो न्यूजीलैंड, और साथ ही साथ दोस्तों क्योंकि न्यूजीलैंड इसका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का पार्ट छूट गया है, न्यूजीलैंड के अलावा दोस्तों उसी के साथ हम लोग जो है पापुआ न्यू गिनी पर थोड़ी चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उस वीडियो को एक साथ कल मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, अगर आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो आपसे बस एक ही विनती रहेगी कि आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और साथ साथ वीडियो को शेयर भी करते रहे ताकि दोस्तों हमें भी हौसला मिलता रहे कि आप लोगों को हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है। और बाकी फिर मिलेंगे कल, थैंक यू। तो दोस्तों बाकी आपसे मैं ये भी वादा कर रहा हूँ कि जो भूगोल का विषय है खासतौर से भूगोल में जो महाद्वीप सिस्टम, मैं पूरे की पूरे महाद्वीप बिल्कुल विस्तार से आपके बीच लेकर आऊँगा, बस आप लोगों का साथ मिलता रहे, और अगर आपका मुझे साथ है, आप लोगों को इसी तरह से साथ मिलता रहेगा तो और एनजीजी के साथ आप लोगों के बीच में और भी जो विषय हैं, खासतौर से आप लोगों को पता है कि उत्तराखंड की जो परीक्षाएं हैं उनमें जीएस की कितनी इंपॉर्टेंस हो गई है, तो उसके लिए मैं प्रॉपर तरीके से डिटेल से आपके बीच इसे लाने का प्रयास करता रहूँगा। आप बिल्कुल निश्चिंत बैठे रहें, अगर आप महाद्वीप सीरीज़ मुझसे पढ़ रहे हैं तो मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि आपको अदर चीज़ों की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, ये मैं खुद गारंटी आपको दे रहा हूँ। आप प्रॉपर इस पर चलिएगा, प्रॉपर नियम के साथ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस पर काम कीजिएगा, और हो सके तो आप लोग जो मैप है, मैंने कहा था कि आप मैप ले लीजिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के 6-7 फोटो कर लीजिए फोटोकॉपी, उसमें प्रॉपर इसी तरीके से भरते रहिए, एक तरह से नोट्स बन जाएंगे, महाद्वीप की छुट्टी हो जाएगी आपकी। तो बाकी दोस्तों इतना ही है इस वीडियो में, मिलूंगा कल आपको 8 बजे इसी समय, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।